गाइस, वेलकम टू माय क्लब ऑफ बुक्स। जैसा कि हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें तीन टॉपिक मैं अब तक दे चुकी हूँ, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री से दिए हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले, कल मैंने एक टॉपिक दिया था 1700 to 1900, आपको जो इम्पोर्टेंट गवर्नर, ये गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय जो रहे हैं, उन पे 6 नंबर के क्वेश्चंस तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, तीन मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिए थे कल, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक और लॉर्ड मेयो के बारे में। तो उन तीनों को अगर आपने लिखकर प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर एक जो सैम्पल आंसर है वो देख सकते हैं, और उससे मिलता जुलता आंसर आप लिखे तो वो अच्छा रहेगा, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने इसमें मेंशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए 100 वर्ड्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। वो या तो ये पूछ सकते हैं कि वर्क्स ऑफ लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, या डिस्क्राइब लॉर्ड डलहौजी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या वेलफेयर इन्होंने कराया है, या फिर इनकी जो ऐसे इनकी पॉलिसीज जिससे इंडिया को नुकसान हुआ है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ वर्क्स पूछ रहे थे, इसमें आप अच्छे वर्क्स भी लिख सकते हैं, बुरे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स बुरे हम लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए वो अच्छे काम थे। अगर ये कुछ ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छे काम थे, बट एट द सेम टाइम वो जो इंडियन सिटीजन थे वो उनके लिए बुरे थे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में डिटेल्स। तो पहले मैं डिटेल्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड डलहौजी तो जो थे वो एक स्कॉटिश सिटीजन थे, और काफी यंग एज से ही वो एक्टिव रहे हैं। तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो काफी यंग एज से वो एक्टिव रहे हैं, और उसके बाद जब 1848 में वो आए इंडिया में गवर्नर बनकर, तो उसके बाद जब वो इंडिया में गवर्नर बनकर, गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उनका काम तब से ही स्टार्ट हो गया। उन्होंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था अपना काम। जो फर्स्ट जो चीज उनके टाइम पे हुई थी वो थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। 1848-49 में ये वॉर हुआ, और इसके बाद जो पंजाब है उसको एनेक्स कर लिया गया और ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। इसके बाद सेकेंड बर्मीज वॉर हुआ था, वो 1852 में हुआ था, और क्या कर लिया गया, जो लोअर बर्मा था उसको एनेक्स कर लिया गया। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको पॉलिटी में भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन सारी चीजों के अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके टाइम में हुई थी, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये जो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम पर जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है वो अपने पीक पर था, सबसे ज्यादा एक्सपैंड हुआ है इनके टाइम पर, वो भी किस रीजन की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसके तहत अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पर वहां के किंग का कोई रियल सक्सेसर नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई रियल बच्चा नहीं है जिस जो उनका स्टेट संभाल सके उनके बाद, लेकिन यहाँ पर क्या रखा उन्होंने कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उनको माना नहीं है कि हाँ वो एडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं दे सकते हैं अपना जो स्टेट है, और वो मिला लिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर में। तो इसके जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स मिलाए गए ब्रिटिश एम्पायर में। कौन कौन से थे, सबसे पहले किसको मिलाया गया था, सतारा को 1848 में। ठीक है, ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये प्री में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एनेक्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसमें सबसे पहले किसको एनेक्स किया गया। तो सबसे पहले सतारा को 1848, संबलपुर को 1849, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854। इसके बाद औध जो है, या अवध जिसको कहा जाता है, उसका एनेक्सेशन हुआ था 1856 में। अब ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बता दिए है। अब यहाँ मैंने डेट मेंशन नहीं की है, आप चाहे तो डेट मेंशन कर सकते हैं जो एनेक्सेशन है उसकी। और इसके अलावा एक आया था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है इंडियन एजुकेशन के सिस्टम में, क्योंकि 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच, और 1857 में इसी के तहत तीन यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। कहाँ कहाँ पर, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज बनाई गई 56-57 में, और ये पहली यूनिवर्सिटीज थी जो स्टैब्लिश की गई थी इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच से ही जो लोअर एजुकेशन है उसकी भी बात रखी गई कि वो कैसा होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने की है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई, हालांकि इन्होंने अपने
फायदे के लिए ये किया था कि उनको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो दूर दराज के गांव से लाना पड़ता था, और उसके लिए जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं था। उसकी वजह से इन लोगों को कम्युनिकेशन के लिए मीडियम प्रेजेंट नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने टेलीग्राफ लाइन बिछाई। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा में बिछाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा पोस्टल सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया 1853 में, विडो रीमैरिज एक्ट लाया इन्होंने 1856 में। अब कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रेन है, मान लीजिए, अब इनका कोई ऐसा नहीं था कि इनको बहुत भलाई करने की इच्छा हो रही थी कास्ट सिस्टम को खत्म करके, कि बहुत कंपैशन था जो लोअर कास्ट के लोग थे, नहीं। इनका कहना था कि अगर कोई एक ट्रेन है, मान लीजिए एक बोगी है ट्रेन की, और उसमें आ सकते हैं 50 लोग, लेकिन 30 ही बैठ रहे हैं, और 50 से ज्यादा लोग या उससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं, तो अपर कास्ट वाले उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है, सेपरेट पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनवाया हर प्रोविंस में, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे सब जगह बनाया गया पीडब्ल्यूडी। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी इनके टाइम पे, वो हुई थी संथाल अपराइजिंग जो 1855-56 में हुई थी। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने बता दी है, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें बताई है, इनमें से अगर आपको 5 से 6 पॉइंट भी याद रहते हैं ना, 5 पॉइंट भी याद रहता है तो वो काफी है, अगर आप वो भी मेंशन कर देते हैं, और डेट, अगर डेट नहीं तो ईयर अगर याद रहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूले जब कोई आंसर लिखे तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा है, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। लॉर्ड डलहौजी वॉज स्कॉटिश सिटीजन हु सर्वड एज गवर्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1956, एंड इन हिज टाइम ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड द मोस्ट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, कौन कौन से, यहाँ गवर्नर जनरल लिख लीजिए, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर एनेक्सेशन ऑफ सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन 1853, नेक्स्ट है विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, देन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1853, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पीडब्ल्यूडी इन ईच प्रोविंसेस, ओके, देन लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वुड्स डिस्पैच एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। कंक्लूजन आपका क्या हो सकता है, कंक्लूजन आप 2 से 3 लाइन में लिखें, और वो क्या होगा, द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉट ओनली फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन बट ऑल्सो फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क विच एग्जिस्ट टिल द डेट इन इंडिया। तो ठीक है, जैसे टेलीग्राफ सिस्टम हालांकि बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो काफी टाइम तक वो रहा, और पोस्टल सिस्टम जो अभी भी चल रहा है, और जो रेलवे लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अलग से बना, तो ये बहुत सारी चीजें जो अभी भी एग्जिस्ट करती है और काफी टाइम तक रही है। तो एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।